अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जिसके कारण इंडिया में जितने लोग भी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर निवेश किया हुआ है या ट्रेड करते हैं वो सकते में आ गए हैं, उनके चेहरे पर परेशानियां जो है झलकने लगी हैं। क्या है वो बयान, क्या उन्होंने ऐसा कह दिया जिसके कारण से जो है क्रिप्टो जगत में हलचल सी मच गई है इंडिया में। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि 15 नवंबर को एक बिल जो है पेश होने वाला है क्रिप्टो करेंसी को लेके कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। आरबीआई के गवर्नर की मुख्य चिंता यही है कि इसको वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने सरकार को ये कहा है कि इस पे पूर्ण तरह से बैन जो है लगा देना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि इससे पहले भी आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के निवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था, परंतु अच्छी बात ये रही कि देश के सर्वोच्च कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को हटा दिया, यानी कि उसको ये कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन जो है नहीं लगाया जा सकता। जब परंतु केंद्र सरकार चाहे तो इस पर कुछ रूल या रेगुलेशन जो है बना सकती है। इसी को लेके अब जो है एक बिल जो है पेश होने वाला है, उसकी खबर भी मैं जल्दी ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो है लेके आऊंगा। परंतु मैं आपको वो बात सुनवाता हूं कि आरबीआई के गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या चिंताएं जो है जाहिर की हैं और क्या बयान जो है दिया है। चलिए वो पूर्ण वीडियो क्या है वो देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी ने आरबीआई के लिए गंभीर चिंता पैदा की है। शक्तिकांत दास ने कहा कि एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई के सामने क्रिप्टो करेंसी को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक संतुलन और वित्तीय स्थिरता दोनों लिहाज से क्रिप्टो करेंसी चिंता पैदा करती है। दरअसल रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार कोई नीति लेकर आए। अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है, जिसकी वजह से लोग धड़ल्ले से इसमें निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश काफी जोखिम भरा होता है, क्योंकि यह इंटरनेट की रहस्यमय दुनिया में चलने वाली ऐसी डिजिटल मुद्राएं होती हैं जिनके ना तो मालिक का पता होता है और ना ही सोर्स का। शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में निवेशकों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, हालांकि वॉल्यूम निश्चित तौर पर बढ़ाया जा रहा है। बड़ी तादाद में ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में 1,000 या 2,000 रुपए लगाए हैं। शक्तिकांत दास ने बिजनेस स्टैंडर्ड BFSI समिट में कहा कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। सरकार इस रिपोर्ट पर सक्रियता से विचार कर रही है। शक्तिकांत दास से जब यह पूछा गया कि क्या आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगा, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। बहरहाल रिजर्व बैंक की चिंता के बावजूद देश में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश बढ़ने से कॉइन DCX अगस्त में यूनिकॉर्न बन गई थी। इसी तरह अक्टूबर में कॉइन स्विच कुबेर यूनिकॉर्न बन गई। वहीं रिजर्व बैंक खुद एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने पर काम कर रहा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई एक फिएट करेंसी के डिजिटल वर्जन पर काम कर रहा है। साथ ही वह इस बात का भी आकलन कर रहा है कि डिजिटल करेंसी लाने पर वित्तीय स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने भी कुछ महीने पहले बताया था कि केंद्रीय बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी चरणबद्ध तरीके से पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है।